राहमवार कुछ चीजों का इंतजार। इमरान खान बड़ी गलती कर गए, मारूफ सहाफी ने बड़ा दावा कर दिया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बानी इमरान नियाजी को फौरी तौर पर अडियाला जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। जराए ने बताया कि इमरान नियाजी ने पीर को यह एतराफ करके कि अपने कारकुनों को GHQ जाकर एहतजाज करने की खुद हिदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौरी अदालत में ले जाने की राह पूरे तौर पर हमवार कर दी। सहाफी सालेह जाफर के मुताबिक 9 मई के मरकजी मुकदमे की समाअत आइंदा माह शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मुल्जिमों को लाहौर या इसके नवाह के किसी जेल में ले जाना जरूरी होगा। दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इन जेलों में जाकर मुकदमे की समाअत उस सूरत में कर सकती है अगर इमरान खान के मरकजी मुकदमे को फौजी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होने का फैसला नहीं होता। अगर मुकदमा जिसमें इमरान खान पर एक दर्जन से ज्यादा संगीन दफात का हवाला मौजूद है और जिनमें सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाओं की गुंजाइश शामिल है, फौजी अदालत अपनी किसी हिरासती मरकज में इमरान समेत तमाम मुल्जिमान को रखने का हुक्म दे सकती है। ऐसे मरकज की निशानदही और मकाम से आगाह करना मुतालिका हुकाम पर लाजिम नहीं होगा। तफ्तीशकारों ने 9 मई के लिए मुरतब किए गए मनसूबाबंदी और इसके मकासद के हवाले से शहादतों के पूरे ताने बाने तक रसाई हासिल कर ली है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के बारे में अहम मामलों पर समाअत ने कमीशन को ताहार इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिले, जिससे इसके वजूद के लिए मजीद खतरात पैदा हो सकते हैं।